रानी पाकिस्तानी देखी होगी, जो लास्ट टाइम मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देखिएगा। रानी पाकिस्तानी जो कि दुनिया की छोटी बशिया है, लेकिन दुनिया की छोटी बशिया के साथ साथ इस वक्त का सबसे बड़ा बैल कराची में जो कि यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद बरोही और असद बरोही व्लॉग्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एनिमल फार्म पर, जहाँ पर ईद कुर्बान के जानवर जमा किए गए हैं। तो नॉर्मली आपने ऊँट देखे होंगे, ये यहाँ का देसी ऊँट है, उसके साथ ये बच्चा है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कुछ नायाब चीज़ें हैं। नायाब चीज़ों के बारे में मालूम तो बाद में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाता जाऊँ। ये एक बशिया है जो कि पंच फेस की बशिया है, और इसके बारे में भी मालूम लेंगे इनके ओनर से। और एक ये बेल है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, जंबो साइज़ का है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ है। ये कुछ नायाब नस्ल के ऊँट हैं जो कि दो कुआन वाले ऊँट कहे जाते हैं, जिसमें ये एक दो और दो के साथ साथ तीन चार चार ऊँट मौजूद हैं। इनके बारे में मालूमात, इनकी डिटेल इनके ओनर से लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम फराज भाई के साथ मौजूद हैं जो कि इस फार्म के एनिमल्स को देखते हैं और केयर करते हैं। इनसे मालूमात लेंगे, इनकी ब्रीड्स, और जो ये नॉर्मल ऊँट है वाइट कलर के, इसके और जो दो कान वाले ऊँट हैं उसके बारे में कि ये कौन से मुल्क के हैं और वो कौन से हैं, और मज़ीद जानवरों के बारे में जो मैंने यहाँ पर देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फराज भाई, मैंने देखा कि यहाँ पर जो ऊँट ये मौजूद हैं, एक तो उनके ऊपर बाल बहुत हैं, और दूसरा उनके दो कान हैं और ये एक कान वाला ऊँट है, इसके साथ बच्चा भी है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। ऊँटनी है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल असद भाई, ये ऊँटनी है और ये तो हमारी लोकल ब्रीड है पाकिस्तान की, और ये भी बहुत नायाब है, सफ़ेद कलर में आप देख रहे हैं, और ये जो इसका बच्चा है ये भी यहीं पर ही ब्रीड हुआ है हमारे पास माशाल्लाह से, और इसकी अच्छी केयर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बच्चा, प्यारा लग रहा है, दिल कर रहा है उठा के ले जाऊँ। बिल्कुल, ये बच्चा बहुत खूबसूरत है और ये ऊँटनी भी बहुत खूबसूरत है, ये भी जो है बहुत रेयर है। अच्छा, ये वाइट कलर क्या ऊँटों में रेयर आता है? जी बिल्कुल रेयर आता है, और वाइट कलर, वरना नॉर्मली आपने देखा होगा वो पीले कलर के जो है वो ज़्यादा होते हैं हमारे पास। और ये जो दो कुआन वाले ऊँट हैं उसकी तरफ चले, ऊँटों की तरफ उधर चल के बात। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल के दो कुआन वालों की तरफ चल के उनके बारे में बात करते हैं। जी इनके बारे में बताएं कि ये नस्ल कहाँ की है, और ये इनके ऊपर जो इतने सारे बाल गिर हुए हैं, लगे हुए हैं, ये कैसे हैं? ये असद भाई, ये मिस्र से होते हैं। ठीक है, इजिप्शियन ऊँट हैं, इनको बैक्टीरियन कैमल्स भी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत ऊँट हैं, और बहुत नायाब हैं, और बहुत महंगे भी हैं, आपको पता है। अच्छा, तो तकरीबन कितनी मालियत का एक ऊँट होगा ये? तकरीबन ये चार ऊँट समझ लें करीब 1 करोड़ रुपए के। ओ फ्रेंड्स, बाकी काफ़ी महंगे ऊँट हैं। तो ये जिस तरीके से हमें दिख रहे हैं, दो कान वाले ऊँट हैं, इनके ऊपर बाल हैं, दिखने में थोड़ा सा ये डेंजर लग रहे हैं, क्या ये डेंजर होते हैं? नहीं, डेंजर वैसे तो नहीं होते ही, और क्या कहते हैं, वैसे तो ये फ्री होते हैं इनका बिहेवियर, लेकिन ये छाड़ करता है तो फिर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो ये बाकी जो दूसरे ऊँट हैं ये, तो इनके ऊपर बाल नज़र नहीं आ रहे, और इनके ऊपर नज़र आ रहे हैं, और मैंने वैसे जू वगैरह में भी देखे हैं तो ये बालों से भरे हुए होते हैं, तो अभी इस वक्त काफ़ी कम है इनके बाल। असल में इनका एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, कि इसमें होता ये है कि गर्मियों के टाइम पे इनके बाल जो हैं वो गायब हो जाते हैं, अगर से दोबारा बाल आने शुरू होंगे, और दिसंबर जनवरी तक ये पूरी तरह कवर होंगे बालों से, और इस वक्त इनके बाल गर्मी की वजह से कुदरती तौर पर जो है ये गिरना शुरू हो जाते हैं। जी ठीक है जी फ्रेंड्स, तो ये हैं दो कान वाले ऊँट, और इसके बाद आप हमें क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद आप चलें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे पास सबसे बड़ा बैल भी है पाकिस्तानी, सबसे छोटी गाय भी है, तो आपने देखी भी है। जी फ्रेंड्स, आपने इसी चैनल पर रानी पाकिस्तानी देखी होगी, जो लास्ट टाइम मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देखिएगा। रानी पाकिस्तानी जो कि दुनिया की छोटी बशिया है, लेकिन दुनिया की छोटी बशिया के साथ साथ इस वक्त का सबसे बड़ा बैल कराची में जो कि यहाँ पर मौजूद है। कराची में फिलहाल इस वक्त तक किसी के पास नहीं है, इसके बाद हो तो कोई पता नहीं है, वो भी चल के देखते हैं, आ जाएँ। क्या बात है फ्रेंड्स, वाकई खूबसूरत है जी। अच्छा फराज भाई, इसके बारे में बताइए कौन सी ब्रीड है और इतना खूबसूरत क्यों है? ये पंजाब की ब्रीड है असद भाई, और ये बहुत खूबसूरत है, इसको भी हमने रखा हुआ है, और अबलग है कहते हैं हम लोग इसको, और एल्बिनो आइज है। अच्छा, एल्बिनो आइज इसको कहा जाता है। ये जो इसका फेस वाइट है और बाकी ये पीछे ब्लैक है, तो इसको इस वजह से एल्बिनो कहते हैं, आइज की वजह से कहते हैं इसको? आइज की वजह से ना, एल्बिनो तो पूरा वाइट होता है उसको एल्बिनो कहा जाता है, लेकिन ये तो ब्लैक और वाइट है। और इसकी एज क्या होगी तकरीबन? इसकी एज तकरीबन जो है वो 2.5 साल। नहीं, ये बस बहुत खूबसूरत है इसीलिए हमारे पास है। आप फ्रेंड्स खूबसूरत तो काफ़ी वाकई फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत है, और इसकी जो ख़ास तौर पर ये आइज़ और इसका जो ये सर वाइट है और सिंग वाइट है,
इसी वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फराज भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ देखते हुए और देख देख कर आगे बढ़ते हुए। इसके बाद कुछ है देखने के लिए, कुछ नया बकरे हमारे पास वो देखें। चलें फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं। चलो तो ये हैं वो नया बकरे, क्या बात है। अच्छा इसके बारे में बताएं फराज भाई, ये कौन सी ब्रीड है और ये क्या बच्चा है इसका या मेल फीमेल है? ये मेल फीमेल है ना? ठीक है। और ये ब्रीड कौन सी है? ये टेडी है, बंगाली टेडा कहलाता है ये असद भाई। ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि इनके जो कान है वो बहुत स्पेशल है, मतलब नॉर्मली जो है वो खजूरी कान में या पॉइंटेड कान में होते हैं बकरे। ठीक है। लेकिन ये जो इनमें कान है ये इनके बड़े स्पेशल हैं और ये हमने स्पेशली जो है वो ब्रीड के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पेयर आपने ब्रीड करवाने के लिए रखा हुआ है। अच्छा इतना छोटा है, वो बकरी है, अलग बच्चा लग रहा है। मुझे बच्चा ही लगा शुरू में। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये आपने ब्रीड के लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई बंदा देखकर इसमें दिलचस्पी लेता है और आपसे ये लेना चाहता है तो क्या आप इसको सेल भी करेंगे? हम इनके बच्चे सेल करते हैं, जैसे ये तो ब्रीडर पेयर है ये नहीं करते, लेकिन इसके बच्चे हैं बहुत सारे जो हम सेल करते हैं। तो इस ब्रीडर पेयर की मालियत क्या होगी, ये कितने का है और बच्चा आप इसका कितने का देते करते हैं? ये असल भाई ब्रीडर पेयर जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का पेयर है ये। ठीक है। इसका जो बच्चा है वो 50,000 रुपए का इसका बच्चा सेल होता है ना। अभी हमारे पास बच्चे नहीं, हम सेल कर चुके हैं, लेकिन ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो आती रहती है तो सेल। ठीक है। ये जो प्राइस है इसके नायाब होने की प्राइस है, नायाब चीज़ है। ठीक है। और ये भी कम देखने को मिलते हैं? बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये भी जो है बड़े नायाब हैं, लोग ढूंढते हैं इसको। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये भी एक रेयर ब्रीड है। इसके अलावा आप क्या दिखा रहे हैं? इसके बारे में बताएं, ये इस तरह की पंच फेज वाली बछिया मैंने नहीं देखी आज तक पहले। देखे तो मैंने जानवर, वो रानी पाकिस्तान भी नहीं थी। और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसकी ब्रीड के बारे में बैठ के बात कर लेते हैं, यहाँ बैठे। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, प्यार करना है जी। इसके बारे में बताएं, ये देखो गुस्सा हो रही है फिर। अच्छा इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी ब्रीड है और ये पंच फेज क्या ये ब्रीड में आता है या फिर ये पंच फेज इसमें एक नायाब चीज़ आ गई है? नहीं ये ब्रीड में नहीं आता असल में, ये भी एक नायाब अल्लाह की तरफ से ये सब तोहफे हैं आपके। ठीक है। और ये चौलिस्तानी ब्रीड है। अच्छा। लेकिन ये कि ये जो है ये एक नायाब चीज बस अल्लाह ताला ने जो है वो क्रिएट की। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ये बस आपको देख के कर रही है। गुस्सा नहीं है करना। अच्छा तो ये चौलिस्तानी ब्रीड है और ये पंच फेज एक नायाब चीज में आ जाता है कि एक आ गई है, वैसे होती नहीं है। तो क्या हम इसको भी दुनिया में नायाब बोल सकते हैं या सिर्फ इस वक्त हम कराची की नायाब चीज़ में से इसको बोल सकते हैं? नहीं ये भी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप देखें ना नायाब है। एक तो माशाल्लाह इसका फेस देखें, इसका कद देखें और फिर उसकी पलाई देखें जो यहाँ पर हमने की है, उसको हमने बड़े प्यार से पाला है। ठीक है। इसकी उम्र क्या होगी तकरीबन? इसकी उम्र है तकरीबन 2.5 साल। 2.5 साल की है। तो फ्रेंड्स वाकई में इस तरह की नायाब चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी और काफ़ी खूबसूरत लगी। तो फराज भाई ये अल्लाह ताला आपको नसीब करे, काफ़ी खूबसूरत हैं। तो छोटी सी एक गुड़िया और एक ये बड़ा, क्या बोलें इसको भाई, ऑस्ट्रेलियन आप माउंटेन कह सकते हैं। अच्छा जी एक माउंटेन और एक ये छोटी सी गुड़िया, छोटी सी गुड़िया को रिलीज़ करते हैं, जाने दें थोड़ा एंजॉय कर। चलो बच्चा चलो 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 चलो। अच्छा फराज भाई देखें, एक नायाब चीज़ तो पूरी दुनिया की आपके पास है, ठीक है। दूसरा आपका दावा है कि इस वक्त तक इससे बड़ा जानवर कराची में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है? नहीं मेरे ख्याल पाकिस्तान में नहीं होगा असद भाई, क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त का सबसे बड़ा जानवर जो है वो यही है। ठीक है जी। ये ब्रीड कौन सी है? ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। और इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी तकरीबन कोई अगर देखें तो 6.5 से ऊपर है इसकी हाइट। 6.5 फिट। 6.5 फिट से ऊपर। 6.5 फिट इसकी हाइट है। और ये जानवर आपने शौकिया रखे हुए हैं या ईद कुर्बान के लिए रखे हुए? नहीं ये हमने कुर्बानी के लिए रखे हुए। ये बड़ा जानवर आपने कुर्बानी के लिए रखा हुआ, रानी पाकिस्तानी तो आपने शौकिया रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि एक नायाब चीज़ है। ठीक है। अच्छा और कोई इसके अलावा कोई जानवर आपसे लेना चाहे या किसी भी नायाब किस्म की चीज़ आपसे लेना चाहे, कोई व्यूवर किसी चीज़ में दिलचस्पी ले तो उसको मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या दिखाना चाहेंगे आप? बस हमारे पास फिलहाल तो असद भाई यही चीज़ें आती रहती हैं बहुत नायाब यहाँ पे। ठीक है। लगी कि रौनक लगी रहती है, कभी भी किसी को कुछ चाहिए हो तो आप जोनी भाई से जो है वो रब्ता करें, जोनी भाई आपको नंबर देंगे अपना। ठीक है। और फार्म का नाम भी बताएंगे और अपना नंबर भी देंगे इंशाल्लाह, उनको कांटेक्ट करें, जो चीज़ भी अवेलेबल होगी जो चाहिए उसके प्राइस वगैरह जो है वो जोनी भाई बता देंगे आपको इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स तो जोनी भाई से मिलते हैं और फराज भाई से लेते हैं इजाज़त। ठीक है जी बहुत शुक्रिया फराज भाई आपने अपना टाइम दिया। आए फ्रेंड्स जोनी भाई से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स तो इस वक्त मैं जोनी भाई के साथ मौजूद हूँ। जोनी भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जोनी भाई मैंने आपका फार्म विज़िट किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया और नायाब नस्ल की चीज़ें देखने को मिली।
तो मुझे ये बताएं कि आपका ये फार्म कब से और आप कब से जानवरों का काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 17-18 साल से हमारा फार्म है। ठीक है, मैं और मुझसे जो बड़े भाई हैं उनका ये शौक है, तो इस तरह की चीज़ें हम कलेक्ट करके अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं। क्या बात है, तो ये मतलब इस तरह की नायाब चीज़ें जमा करने का शौक आपको कब से हुआ? बस जो भी नायाब चीज़ दिखती है शौक के हिसाब से हमने फार्म बनाया था। अच्छा, तो उसके हिसाब से जो भी नायाब चीज़ जो पसंद आ जाती है बस वो चीज़ लेके हम फार्म के अंदर रख के अपना पूरा करते हैं शौक। क्या बात है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट भी करना चाहे कि हमें कोई इस तरह की चीज़ें जिस तरह की आपने रखी हुई है हमें अरेंज करवा दो, तो आप क्या करवा देते हैं अरेंज? हाँ, अरेंज हो जाती है, हमारे पास एक से बढ़ के एक चीज़ आ रही है। अभी इस वक्त आपके पास यहाँ पर कोई चीज़ सेल के लिए है या सारी सेल हो चुकी हैं? कुछ चीज़ें सेल के लिए अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें सेल हो चुकी हैं। ठीक है जी, फ्रेंड्स जूनी भाई से लेंगे इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले जूनी भाई आप अपना नंबर शेयर करें। बिल्कुल, 030333। ठीक है, 060-00-934। ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर भी है? व्हाट्सएप पर भी है और गूगल पे भी। और कब कब आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्यूअर जो कांटेक्ट करना चाहें? बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, कराची डेयरी एंड कैटल के नाम से फार्म है, मैं आपको लोकेशन दे दूंगा। लोकेशन तो नेविगेशन पे होगी ना? नेविगेशन के ऊपर भी है, वैसे भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप उसके साथ वीडियो के साथ लगाना चाहें तो। ठीक है जी, जूनी भाई बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, तो हम लेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है जी, फिर चक्कर लगाते रहेंगे। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।